हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे एक ये टैंक का सवाल है। बच्चे ने भी आए, एक टैंक में 1/5 लीटर पानी भरा हुआ है। यदि टैंक भरने के लिए 28 लीटर और पानी चाहिए तो टैंक की धारिता क्या होगी? एक बार बताओ, भरा हुआ जो भाग है इसका, ये 1/5 मतलब 5 में से एक हिस्सा भरा हुआ है। अगर मैं खाली की बात करूँगा, खाली तो टैंक खाली कितना होगा भाई? 5 में से एक कम कर दूंगा तो 4/5, 5 में से 4 हिस्से कहूंगा खाली। उसने कहा भरने के लिए 28 लीटर पानी की जरूरत है। हमारे अनुसार है 4 के अनुसार, इसका मतलब 4 की वैल्यू कितनी है? 28 लीटर है। अगर मैं इसे काटूंगा तो 1 की वैल्यू निकालूंगा, 4 × 1 = 4, 4 × 7 = 28, 1 की कितनी लीटर वैल्यू हो गई? 7 लीटर। तो अगर मैं देखूंगा कितनी क्षमता है उसकी, तो टैंक की क्षमता कितनी है? टोटल क्षमता तो उसकी 5 है ना, टोटल 5 है। 1 की वैल्यू 7, 2 × 14, 3 × 21, 5 की कितनी होगी? तो 5 की होगी 5 × 7 = 35, मतलब 35 लीटर की क्षमता हो गई उस टैंक की। आसानी से हो गया तो ठीक है। नहीं, अगर पूछने का खाली कितना हुई है तो 1/4 भाग खाली है, 28 लीटर खाली है। भरा हुआ कितना हो तो वर्तमान में भरा हुआ कितना? 1 भाग भरा हुआ, अर्थात 7 लीटर पानी भरा हुआ उसमें। ये क्यों आंसर हो